पर सुकून, आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मविश्वास से भरपूर महिलाएं। आज इनके पास बड़े बंगले, कार और दूसरी लग्जरी चीजें भले ना हो, लेकिन दो वक्त का अच्छा खाना, सिर पर छत और परिवार की बेहतर देखभाल करने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, उनका अच्छा लालन पालन करने लायक समृद्धि जरूर है। बुरे वक्त में एक खुशहाल जिंदगी का जो इनका सपना आंखों में बसा था, अब ये उसे पूरा करने की तरफ बढ़ रही हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन के बूते ये आज आत्मनिर्भर हैं, अपने परिवार का पेट भर रही हैं, उनके सपने पूरे कर रही हैं। बेवस ऐसे कि कोई सहारा नहीं, अपने सामने अपने कोई भी हाथ उठा जाए, कोई मार भी जाए, कोई किसी का त्रास भी सुनना पड़े, अब किसी का त्रास नहीं सुनना पड़े, अब सबके सामने हो सकती है। इनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक ऐसा दौर भी था जब ये पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करती थी, बदले में जो कुछ मिलता था उससे दो वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से ही हो पाता था। ये निर्माण क्षेत्र की ऐसी मजदूर भर थी जिनका काम सिर पर ईंटें ढोना, रेत और सीमेंट की बोरियां यहाँ से वहाँ पहुँचाना और बहुत हुआ तो रेत को छानना और उसमें सीमेंट मिलाने भर का काम था। कड़ा काम में जाती थी तो लोगों मेरे को नहीं बोलते थे कि तुमको कड़ा काम नहीं आएगा, बहुत देर कर देते थे हमको। मैं लगभग 15 बरस से काम कर रही हूँ, 15 बरस में मेरे को कुछ अंदाज नहीं था कि ये पट्टी को क्या बोलते, मस्तर को क्या बोलते, कारीगर को क्या हाजिरी देते, ये मालूम नहीं पड़ता था हमको। सुबह 9 बजे जाओ ना तो हमको 10 भी बज जाते थे आते आते, बच्चे लोग हमारे ऐसे भूखे पैसे सो जाते थे, ऐसे हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी। जी तोड़ मेहनत करते हुए ये अपने पुरुष साथियों का हाथ पटाती थी, लेकिन इनकी स्थिति दोयम दर्जे की ही थी। पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए भी जब मजदूरी मिलने का वक्त आता था तो ये पीछे दिखाई देती थी। पुरुष साथी की तुलना में कम दिहाड़ी इनकी किस्मत बन चुकी थी, क्योंकि ये अप्रशिक्षित मजदूर थी जिन्हें मोटे और भारी काम करने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, आत्मविश्वास तो जरा भी नहीं था। महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट ने इन महिला मजदूरों की जिंदगी बदल दी। ट्रस्ट ने इनकी हालत को, इनकी मेहनत को और इनकी क्षमता को देखा समझा तो इन महिलाओं में अपार संभावनाएं नजर आई। आत्मविश्वास भले नहीं था लेकिन मन में सपने जरूर थे। इनकी परेशानी ये थी कि इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ट्रस्ट ने इन्हें सही रास्ता दिखाने की सोची, इस काबिल बनाने की ठानी कि ये महिलाएं अपना हक पा सकें। कहता था काम बेनन काम ना आ पाए कॉन्ट्रैक्ट में, पर बे तीन जगह इतने हमें काम करी कि बेनन पसंद आई गई काम। संडास बाथरूम आले को कर पेला ओछी किमत में करी, पी अत्यारे अमे खुद જાતે કામ એ રીતે કરીએ કે બીજી વખત ફરિયાદ ના આવે કે આ ખરાબ કામ થયું, અને કારીગરનું પૂરેપૂરું સલામતીથી કામ કરી શકીએ। અત્યારે આવકમાં ફરક પડ્યો, છોકરાઓને ભણાવવામાં ફરક પડ્યો, અમારી જિંદગીની અંદર બહુ ફરક। ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી 11 લાખ ગરીબ મજદૂર મહિલાઓ કે રજિસ્ટર્ડ સંગઠન સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વુમેન્સ એસોસિએશન યાની સેવાને સન 1994 મેં કી થી। મકસદ થા ગરીબ લોકો કો ઘર ઉપલબ્ધ કરાના, सस्ते घर उपलब्ध कराने की योजना बनाना, झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के लिए सरकारी संस्थाओं की मदद से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना, सबको बिजली और पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराना, घर बनाने में आर्थिक से लेकर कानूनी मदद तक मुहैया कराना। ઇન્ફોર્મલ સેક્ટર અને ફોર્મલ સેક્ટર, એક તો બે સેક્ટર અમને દેખવા મળ્યા કે જે બેનિફિશિયર અત્યાર સુધી અમારી સાથે રહ્યા છે એ મોસ્ટલી અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદાર છે, અને એમને તાલીમ આપ્યા પછી એમનું ઇમ્પેક્ટ એ આવે છે કે એમના જેવા જ મકાનો કે આજુબાજુના રહીશો કે નાના મોટા ફ્લેટ સુધી એ કામ કરી શકે છે કારીગરનું, એનું કામના દિવસો વધારે મળે છે, કારીગર તરીકે કામ મળે છે, એમાં એમનું જે મજૂરીનો રોજ હતો એનાથી હરેક દિવસે એમનું કારીગરના કામ તરીકે 20 થી માંડીને 100 રૂપિયા સુધીનું ઇન્કમ રાઇઝ પણ મળ્યું। महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट ने इन्हीं गरीब और अप्रशिक्षित महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। इन महिलाओं को निर्माण क्षेत्र की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई। इसके लिए एक ऐसे स्कूल की जरूरत महसूस की गई जिसमें हर तरह की सुविधाएं हों और जहां निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली महिला मजदूरों को हर तरह की ट्रेनिंग पेशेवर तरीके से दी जा सके।
इसी जरूरत ने कार्मिका स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जन्म दिया। अहमदाबाद में साल 2003 में कार्मिका स्कूल की स्थापना महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट की तरफ से की गई। कार्मिका स्कूल में महिलाओं को निर्माण क्षेत्र की हर नई तकनीक और कौशल की जानकारी दी जाती है, मसलन बेलदारी, राजमिस्त्री, दीवारों पर प्लास्टर करने का काम, आधुनिक मशीनों में खुदाई करने, रोलर चलाने, दीवारों पर पेंटिंग, खिड़की दरवाजे बनाना, प्लम्बर यानी पानी की पाइपों और टोटियों को जोड़ने का काम, बिल्डिंग में बिजली की वायरिंग, टेलीफोन लगाने जैसे हर काम की ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूल में टॉयलेट्स बनाने के कोर्स, तमाम तरह की आपदाओं से सुरक्षित घर बनाने, ड्रेन सीवर की जानकारी देने वाले कोर्स भी हैं। यूं तो कोर्स 3 महीने से लेकर 15 दिन की छोटी अवधि तक के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्कूल में महिला मजदूरों को बोलचाल और चतुराई के वो तरीके भी बताए जाते हैं जो उनमें आत्मविश्वास भरकर ठेकेदारों से अपना सही हक हासिल करने की ताकत देते हैं। ये लोगों ने सारा शिक्षण माटे थे मजदूरी करी थी, એટલે મહિલા સેવા સંઘ વાળાનું આભાર માનું છું। પહેલા છે ને એ લોકોને પહેલા તો અમારે એવી તબિયત હતી તો ખાવાને બી ટંક બી જતા રહેતા, કામ નહોતું એવું મળતું, અને અત્યારે આ કામ શીખ્યા પછી સારું છે, બધી ખવડાવવા પીવડાવવામાં બધી પહેલા કરતા અત્યારે 50-60% કરતા 100% ફેરફાર થાય, સારું સુધાર। कार्मिका स्कूल योजना आयोग द्वारा निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल से भी जुड़ा है। अपने कार्यक्रमों को डिस्टेंट लर्निंग के जरिए पहुंचाने के लिए हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के भी पार्टनर हैं। हम निर्माण क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के तमाम बड़े बिल्डरों से भी जुड़े हैं, जिससे हमारे स्कूल के प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं रहती। आज हमारा दायरा सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बेहद ही व्यवहारिक वजह से हमने अप्रशिक्षित पुरुष मजदूरों को भी अपने ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल किया। आमतौर पर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिला मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहना पड़ता है, ऐसे में ये मुमकिन नहीं कि वे अपने परिवार, बच्चों और पति को छोड़कर कहीं काम करने जा सकें। इस बिल्कुल ही व्यवहारिक परेशानी को समझते हुए हमने महिलाओं के परिवार से पुरुष सदस्यों को भी अपने ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल किया। फिर भी साल 2009 में कार्मिका स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने करीब 6000 लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें 90% महिलाएं ही हैं। हमारी इस कोशिश का फायदा सिर्फ जरूरतमंद गरीब महिला मजदूरों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि तमाम सरकारी योजनाओं को भी इससे भरपूर फायदा पहुंच रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि कार्मिका स्कूल से निकले प्रशिक्षित इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो या फिर स्वर्ण जयंती सरदार रोजगार योजना, हमारे द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं की इन योजनाओं में बड़ी भूमिका है और आगे भी अनंत संभावनाएं हैं।